एक तरफ इजराइल और ताइवान के बीच में रिश्ते बदल रहे हैं, जो चाइना के लिए एक डरावना सच है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के राफेल विमान ग्रीस में उतरकर तुर्की को टेंशन दे रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय अलगाव जैसी स्थिति का सामना कर रहे इजराइल के एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने इस साल अप्रैल में ताइवान का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों पर काफी बात हुई। ये यात्रा एक साल के भीतर दूसरी ऐसी क्रॉस पार्टी इजरायली प्रतिनिधि मंडल यात्रा था। आधिकारिक राजनयिक संबंधों की कमी के बावजूद दोनों पक्षों की ऐतिहासिक परिस्थितियों में काफी समानता है। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी और ताइवान की स्थापना 1949 में हुई थी। दोनों ही देश अपनी अपनी राजनीतिक परियोजनाओं के लिए सेंचुरी के रूप में काम करते हैं। बीते साल 7 अक्टूबर को गाजा में शुरू हुए युद्ध के बाद से इजराइल और ताइवान के बीच संबंधों में एक गर्मजोशी आई है। गाजा में लड़ाई के बाद ताइवान ने सैनिकों और उनके परिवारों की मदद करने तथा नगर पालिका सेवाओं के वित्त पोषण के लिए इजराइल को $500,000 का दान दिया है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान और इजराइल ने अपने अनौपचारिक संबंधों के पिछले 50 सालों में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दर्जनों समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल के दशकों में ताइवान और इजराइल के बीच बढ़ते मधुर संबंध हमेशा से ऐसे नहीं थे। चीन की सरकार 1948 के बाद इजराइल का समर्थन कर रही थी। ताइवान ने शुरू में कम से कम सार्वजनिक रूप से इजराइल के करीब आने से परहेज किया था। 1971 तक ताइवान ने तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बनाए रखे। ताइवान के तमकांग विश्वविद्यालय में चीन और मध्य पूर्व संबंधों के विशेषज्ञ मोर शोबोल का कहना है कि दोनों पक्षों को 1960 और 1980 के दशक के बीच बहुत ही करीबी सुरक्षा सहयोग विकसित करने से रोका नहीं जा सका। इस अवधि के दौरान इजराइल और ताइवान रंग भेदी दक्षिण अफ्रीका ने एक गठबंधन बताया, जिसे लॉस एंजिल्स टाइम्स ने 1980 के दशक के एक लेख में असहयोगियों का गठबंधन बताया था। हालांकि इजराइल दुनिया की बाकी हिस्सों के तरह वन चाइना नीति का पालन करता है, ताइवान को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देता है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से इसमें बदलाव आया है। दूसरी ओर ताइवान अमेरिका को खुश करना चाहता है, इसलिए वो ऐसी किसी भी देश का समर्थन कर देगा जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त हो, और इसमें इजराइल भी शामिल है। ताइवान पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में पता पाया गया कि 35% से अधिक आबादी इजराइल के पक्ष में है, जबकि लगभग 15% लोग फलस्तीनियों के साथ सहानुभूति रखते हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी पर ताइवान के लोगों का नजरिया काफी हद तक उनके जियोपॉलिटिकल स्थिति से भी प्रभावित है। कई लोग इजराइल को ताइवान और अमेरिका के समान ही रणनीतिक खेमे का हिस्सा मानते हैं, जबकि फलस्तीन के लिए चीन का समर्थन वे विपरीत खेमे में मानते हैं। खैर, जहां एक तरफ ताइवान और इजराइल की दोस्ती चाइना को टेंशन दे सकती है, तो वहीं आपको बता दें चाइना बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है इजराइल के ऊपर। जब भी इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव वगैरह पारित होता है तो सबसे पहले विरोध में अगर कोई खड़ा रहता है तो वो चाइना ही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के राफेल लड़ाकू विमान पहली बार अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने प्रमुख हवाई अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लिया और इसमें हिस्सा लेने के बाद ये लौट रहे हैं। अपनी लंबी यात्रा के दौरान इन्होंने रास्ते में रुकने के लिए ग्रीस को चुना है। इस मौके का भारत और ग्रीस ने फायदा उठाने को सोचा है। भारत और ग्रीस संयुक्त अभ्यास भी इसी मौके पर कर लेंगे। पहले ये ईंधन भरने के लिए रास्ते में कुछ घंटे के लिए एंड्राविडा में उतरने वाले थे, पर इसके बाद फिर भारत के लिए ये रवाना हो जाते, लेकिन अब ये ग्रीस की वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरेंगे। एथेंस उड़ान सूचना क्षेत्र के भीतर बड़े क्षेत्र पहले ही आरक्षित कर दिए गए हैं, लेकिन इस अभ्यास से ग्रीस का दुश्मन तुर्की और तुर्की का दोस्त पाकिस्तान खुश नहीं होने वाला है। संयुक्त अभ्यास हाल के सालों में ग्रीस और भारत के बीच विकसित हुए सैन्य सहयोग को दिखाता है। ग्रीस के सैन्य प्रमुख जनरल दिमित्रियोस हुपिस ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उत्कृष्ट राजनीतिक और सैन्य संबंध पर
मुहर लगी, जिसके पहले से ही पर्याप्त परिणाम सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 24 में F-16 ब्लॉक 52 लड़ाकू विमान हिस्सा लेने पहुंचे थे। भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित ये सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इटली और जर्मनी सहित 52 देशों के हवाई संसाधनों या पर्यवेक्षकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। ग्रीस की वायुसेना की भागीदारी की पुष्टि जनरल की भारत यात्रा के दौरान की गई थी। वहीं ग्रीक वायुसेना लगातार भारतीय एयरफोर्स के संपर्क में भी है। ग्रीस के F-16 को लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा करके जोधपुर एयरबेस पहुंचना होगा। ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। पिछले साल ग्रीस वायुसेना की ओर से इनिकोस 23 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत शामिल हुआ था। भारत के सुखोई 30M के लड़ाकू विमानों ने यहां शानदार प्रदर्शन किया था। भारत और ग्रीस की लगातार दोस्ती बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच विकसित साझेदारी के जवाब में भारत ऐसे कदम उठा रहा है। अब अगर आप सोचते होंगे कि तुर्की ने भारत के लिए क्या किया है, तो इसका अंदाजा ऐसे आप लगाइए कि ग्रीस वर्सेस तुर्की इंडियन स्पैनिक, ये इन्होंने एक टैंक को रिलीज किया, उसके बाद ये हेडलाइन बनी है कई सारी तुर्किश मीडिया की। और तुर्किश मीडिया ये मान रहे हैं कि उन्होंने जो अपना एक नया टैंक बनाया है, ये नया टैंक ग्रीस के साथ साथ भारत को भी टेंशन दे सकता है। अगर भारत के साथ तुर्की के कोई पंगे नहीं है, तो इस तरह की बात बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक समय था जब ये देखने को मिला था कि तुर्की और भारत के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, और अभी का सीन ये है कि तुर्की भारत के खिलाफ लगातार कदम उठा रहा है, और इस लगातार उठाते हुए कदम में भारत के साथ दूरियां ही बढ़ती जा रही हैं। अब वो अपने कोई भी हथियार अगर बनाते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि ये जो हथियार है, ये हथियार भारत के खिलाफ कारगर होंगे। अब तुर्किश न्यूज़पेपर ने भारत के ही अखबार को आधार बनाते हुए ये कहा कि देखिए, भारत और ग्रीस में स्ट्रॉन्ग डिफेंस कोऑपरेशन हो रहे हैं, और भारत के वॉरशिप ज़्यादातर ग्रीस के इलाकों में आकर रुकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि भारत आए और आकर अपने दोस्त ग्रीस को बचा ले तुर्की के मेन टैंक से, क्योंकि तुर्की का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ग्रीस, वो भारत का क्लोज फ्रेंड है, भूमध्य सागर में है। खैर, अब यहाँ पर ये सारी चीजें ये छापते हैं, इनकी मीडिया भी छापती है। इसका मतलब ये हो गया कि तुर्की पूरी तरीके से अब ये मानकर चल रहा है कि भारत और तुर्की दोनों दुश्मन हैं, और ये सब कुछ अर्दोगन के द्वारा जो विचारधारा आई है, उस विचारधारा के कारण होती हुई दिख रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।